अंदर आज तक मुझे बेटों से या तुमसे इज्जत तो कभी मिली ही नहीं, पर चौकट के बाहर निकलते ही कम से कम दिखावा तो कर लेता था कि सब कुछ सही है। पर अब तुमने मुझे इस लायक भी नहीं छोड़ा सविता। कुछ चाहिए दामाद जी? नॉर्मल एक्ट करने से आप नॉर्मल हो जाओगी। सासू माँ, अम्मा के लिए दूध बना रही हो ना आप? लाइए मैं बना देता हूँ। अरे आप क्यों बनाएंगे, मैं बना लूंगी। सासू माँ, मैं बना देता हूँ, आज आप एक मिनट के लिए भूल जाइए मैं आपका दामाद हूँ। लाइए दामाद जी, आप मैं कर लूंगी। सासू माँ, अभी रोहित और वैभव होता तो आप उसे करने देती ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? अच्छा लगेगा मुझे। पता है सासू माँ, आज से 3 साल पहले जब मैं यहाँ IAS की तैयारी करने शुरू किया ना, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता था। मैंने अदिति को कई बार बोला, यार मैं वापस आ जाऊँ क्या? लेकिन आपने मुझे Day 1 से कभी घर जमाई वाली फीलिंग नहीं दी। इज्जत हमेशा दामाद वाला दिया और प्यार हमेशा बेटों वाला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मम्मी को बताएंगे तो शायद बुरा मान जाएगी, लेकिन जब आप होती हो ना सासू माँ, मैं उसको ज्यादा मिस नहीं करता। इसीलिए आज से आप अपना गणित ठीक कर लीजिए, आज से आपके 2 बेटे नहीं 3 बेटे हैं, और जो भी मसले चल रहे ना सासू माँ, सब मिलके ठीक कर लेंगे। हम आपके साथ हैं सासू माँ। जस्ट चिल, स्माइल, yeah, जस्ट लाइक दिस। सासू माँ, ये जो आपकी स्माइल है ना, इस घर का ऑक्सीजन, इसका सप्लाई कभी बंद मत करिएगा। मम्मी मैं जा। हेलो भैया। तुम क्या? नमस्ते अंकल। सविता जी, प्रीति तुम यहाँ क्या कर रही हो? दरअसल मैं आप लोगों से माफी मांगने आई थी आंटी। आई एम सो सॉरी। सॉरी अंकल, पापा ने आप लोगों के साथ बहुत गलत किया, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या ड्रामा चल रहा है? यूटर्न मारो और निकलो यहाँ से। ड्रामा नहीं है दी, मुझे सच में बुरा लग रहा है। पापा ने आज बहुत बदतमीजी से बात की आप लोगों के साथ। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। होगी नौटंकी, देख लिया हमने, अब जाइए यहाँ से प्लीज। आंटी और एक बात, मुझे इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं वैभव को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। मम्मी मेरी बात मानो, ये बाप बेटी मिलकर बहुत बड़ी गड़बड़ करने वाले हैं, इसकी बातों में मत आना आप। आंटी प्लीज बिलीव मी, आई लाइक हिम अ लॉट। वो कितना स्मार्ट है, सॉफ्ट स्पोकन है, अंडरस्टैंडिंग है। बस 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 बस, अब टैटू मत दिखा देना वैभव के नाम का, यही देखना बाकी रह गया। शादी करवा दो, टैटू भी बनवा लूंगी। अच्छा, इतने अच्छे लड़के को कौन सी लड़की मना करेगी? और मैं तो उसे 4th class से लाइक करती हूँ। दादी हम तो बचपन से ही राम सीता की जोड़ी है ना, आपको याद है ना, रामलीला की झांकी में हम ही तो बनते थे राम और सीता। अरे झांकी तो डैडी जी का निकाल दिया आपके पप्पा ने, 2 दिन से खिड़की के बाहर नहीं झांक रहे हैं। आपने बोल दिया, आपके पप्पा को कौन बोलेगा? वो सब हो जाएगा। हो जाएगा? I mean, मैं मना लूंगी पापा को। आंटी आप बोलिए, आप रेडी है या नहीं? बेटा हमें आपस में बात करनी होगी, अभी तुम जाओ। ठीक है आंटी, पर इस घर को मैं अपना मान चुकी हूं, चलती हूं। इनको तो अलग ही मोहब्बत होगी आपके बेटे से। हरा दो मम्मी, आपकी दुकान बच जाएगी,
इस लड़की ने तो आपका रास्ता आसान कर दिया और वैभव के लिए तो ऐसे पगलाई हुई है। तो ठीक है ना, अपने पापा को खुद ही मना लेगी, हमें क्या है। पर तेरे पापा को कौन मनाएगा? ये लक्ष्मी माँ का इशारा है, घर की लक्ष्मी खुद चल के आई है, हमें मना नहीं करना चाहिए। रूपचंद भी अपनी बेटी की खुशी के लिए मान ही जाएगा, अगर हो गया तो दुकान बच जाएगी, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बताइए ना, आपकी हाँ के बिना मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। ठीक है, बुला लो रूपचंद को। प्रीति जी, प्रीति जी, माय सेल्फ जीजा विद्याधर। आदि दीदी के हस्बैंड हो ना? यस यस, प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस। आपका प्यार का अनाउंसमेंट देख के ना दिल खुश हो गया, ऐसा लग रहा था कोई एक्टर लाइन याद करके फिल्म का सीन कर रहा। सच्ची आपको मेरी परफॉर्मेंस अच्छी लगी? एक सेकंड, परफॉर्मेंस? आप एक्टिंग कर रही थी? नहीं नहीं, मैं भला क्यों एक्टिंग करूंगी, मैं तो दिल से बोल रही थी। पर यहाँ दिल की बात सुनता ही कौन है, सबको झगड़े करने में ही मजा आता है। अरे झगड़ा तो आपके बाप, आपके पिताजी ने की थी ना, हम लोग तो प्यार से रिश्ता लेके गए थे। आपको क्या लगता है अंकल आंटी मान जाएंगे? बच्चे के मुंह में सासू माँ आपको चला लेंगी। हाँ मतलब उनके प्यार में सब कुछ भुला देंगी। लेकिन डैडी जी के गुस्से का पिरामिड ऐसे टूटने वाला नहीं है, उसके लिए आपके बाप आपके पूज्य पिताजी को आके माफी मांगनी पड़ेगी। वो मांगेंगे माफी? सॉरी भी बोलेंगे और खुद चलकर आएंगे वैभव से मेरी शादी कराने। आई लाइक योर कॉन्फिडेंस, लेकिन वो ऐसा करेंगे कैसे? अगर कोई पापा को यकीन दिला दे कि मैं मुंबई जाकर एक्टिंग करना चाहती हूँ तो वो मेरी शादी करा ही देंगे। एक सेकंड, आपको सच में एक्टर बनना है? तो साले साहब से शादी क्यों करना चाहती हैं? वो कौन सा करण जौहर का बुआ का बेटा है जो आपको बॉलीवुड में लॉन्च कर देगा? नहीं नहीं नहीं, अरे अरे, सॉरी सॉरी सॉरी, सुनिए ये तो सिर्फ बहाना है, पापा को यकीन दिलाना है कि मैं कभी भी मुंबई भाग सकती हूँ। अगर उनके दिल में एक बार डर बैठ गया ना तो वो मेरी शादी करा ही देंगे। ये डर तो मेरे दिल में बैठ गया, कहीं आप साले साहब को छोड़कर भाग ना जाओ मुंबई। नहीं नहीं, कहा ना कि ये तो सिर्फ पापा को बताने के लिए है, पर प्रॉब्लम ये है कि उनसे जाकर बात करेगा कौन? सासू माँ। आंटी जी, अगर आप सच में वैभव से प्यार करती हैं, उसको लाइक करती हैं, तो आई कैन हेल्प यू। सच्ची थैंक यू, थैंक यू। सासू माँ भी यही चाहती हैं, तो यही सही। अब ये काम आप हम पे छोड़ दीजिए, कितने पापा को कन्विंस किया हमने। अब थोड़ी देर बाद दुकान पे आइए। लगता होने वाले समधी जी अभी आए नहीं है। Who bought that? हेलो। हेलो, क्या प्रीति जी से बात हो सकती है? आप कौन? आई एम केके फ्रॉम धर्मा गरम प्रोडक्शन, कॉलिंग फ्रॉम मुंबई। मुंबई? हाँ भैया, प्रीति जी से बात होगी या आप इरिटेट करेंगे? आप उनके सेक्रेटरी हैं? जी नहीं, मैं उसका फादर बोल रहा हूँ। फादर जी पाँव लागू, प्रीति जी से कहिएगा कि उनका फोटोशूट फाइनल हो गया, उनको मुंबई आना है। मुंबई आना है फोटोशूट? ये क्या क्या बोल रहे हैं आप? धर्मा गरम प्रोडक्शन उन्हें लॉन्च कर रही है, हीरोइन बनने वाले हैं, उसके लिए तो फोटोशूट करना है। देखिए मेरी बेटी को ना इन सब से कोई दिलचस्पी नहीं है, आयता से फोन मत करिएगा। You know who I'm talking to? देखिए मुझे जानना भी नहीं है, फोन काटिए आप। शेट जी पार्सल देखा था।
हेलो, आपने मुझे दोबारा फोन किया? आपने मेरा फोन काट दिया? हाउ डेयर यू। कोई बात नहीं, आप प्रीति जी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि उनका एक्टर बनने का सपना पूरा होने वाला, मुंबई आ जाए वो। देखिए भाई साहब, भाई साहब हम नॉट योर भाई साहब, आई एम योर सर। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई है, मेरी बेटी को कोई हीरोइन फिरोइन नहीं बनना है। अरे तो क्या आप अपने तरह नमकीन तलना सिखाएंगे उसे? इरिटेटिंग फादर, ओल्ड डाई करने वाला आदमी। देखिए आपको कैसे मालूम है कि मैं अपने बाल डाई करता हूँ? अरे तो रोज देखता हूँ ना। क्या रोज देखता हूँ? रुकिए रुकिए, आपकी आवाज सुनी सुनी सी लग रही है मुझे। तो दो बार फोन किया तो सुनी सुनी नहीं लगेगी? फोन और मेरे दिमाग दोनों की बैटरी जा रही है। आप प्रीति जी को इन्फॉर्म कर दीजिए कि स्टार बनना है तो मुंबई आ जाए। जाइए दुकान के अंदर। How may I help you? हाथ ही तुम दिखी नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो, हाथ दिखाओ, दिखाओ। ठीक है, अरे it's fine। और दिमाग, वो ठीक है? तो लग क्यों नहीं रहा? मुंह क्यों लटका है? Oh Mr. Confused, आज क्या confusion है? यार श्रेया कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, कुछ control में ही नहीं है, मतलब क्या बताऊं अब? बताओगे भी क्या हुआ? यार श्रेया, घर वालों को ना मुझसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, और खासकर मम्मी को, बस उन्हीं एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर फील कर रहा हूँ। कमाल है, घर वाले तुमसे कुछ चाहते हैं, उसमें प्रेशर क्यों फील करना है? देखो वैभव, सिंपल सी बात है, वो तुमसे इतना प्यार करते हैं तो एक्सपेक्टेशंस भी होंगी ना। श्रेया तुम्हें भी ऐसा होता है क्या? मतलब भैया हैं, है ना, भैया मेरे लिए ये कर देंगे, मम्मी मेरे लिए ये कर देंगी, पापा हैं, ये तो हो ही जाएगा। और इसके लिए तो होती है ना फैमिलीज, मतलब दे आर ऑलवेज बिसाइड्स यू, राइट? ओह गॉड, तुम ना जोर जोर से सांसें लो। लो, तुम्हें देख के मुझे स्ट्रेस हो रहा है। अब ऐसा क्या ही करवा रही होगी तुम्हारी मम्मी तुमसे? थोड़ी ना पकड़ के शादी करवा रही है। अगर ऐसा ही कुछ हो रहा हो तो क्या मतलब, हो सकता है ना किसी के साथ तो हो रहा होगा ऐसा, और अगर हो रहा होगा तो बेचारा वो क्या करे? तो वो जो भी है उसे कहो कि जाके माँ बाप से बात करे। माँ बाप दुश्मन नहीं होते, माँ बाप कभी भी अपने बच्चों के लिए बुरा नहीं चाहते, और जो प्यार करते हैं वो सिर्फ उम्मीदें नहीं रखते, वो तुम्हारी बात भी सुनते हैं। मिस्टर कंफ्यूज्ड, समझ आई? क्या दिखा रही हो कस्टमर को? कैन आई हेल्प यू? नहीं सर, ये कुछ लेने नहीं आए थे। लेने नहीं आए तो चाय भी नहीं आया हूं। चाय बिल अदरक वाली चाय मंगाता हूँ, बहुत 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 बढ़िया। नहीं नहीं, बात करनी थी, हो गई। हो गई? हाँ हो गई बात, मैं चलता हूँ। बाय। थैंक यू। फ्री में दे दिया कुछ? नहीं नहीं सर, इस बार आपके शॉप से ज्वेलरी फ्री में नहीं ले जा रहा हूँ, एडवाइस लेने आया था। जो इन्होंने फ्री में दे दिया और जो एडवाइस मिली है ना, आपके पूरे ज्वेलरी शॉप से ज्यादा कीमती है। अच्छा, थैंक यू, चलता हूँ। क्या चल रहा? कुछ नहीं सर। सर नहीं, बाप, पापा पूछ रहे हैं। बेटा चल क्या रहा है? मैं देख रहा था वहां से, सब दिख रहा था मुझे, और ये तो वो भी दिख रहा था जो किसी को नहीं दिख रहा था। क्या? एक्सक्यूज मी सर। यस कस्टमर। आइए, आपका ऑर्डर रेडी है, मैं दिखाती हूँ।
सासू माँ ये मैंने कहा था ना आपको, मुझे अपना बेटा ही समझिए, बेटे वाला काम करके आया हूँ। मतलब? अपनी दुकान को सुरक्षित करके आया हूँ और साले साहब के शादी का रास्ता क्लियर। ऐसा क्या कर दिया? सासू माँ, रूप चंद की अकड़ का ऐसा इंतजाम करके आया हूँ ना, देखिएगा वो आके माफी भी मांगेगा और शादी की बात भी करेगा। अरे वो सब छोड़िए, अपने लाडले की शादी की तैयारियां करिए। मम्मी, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता करवा के आप दुकान बचा लोगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। वो रूपचंद और उसकी बेटी कोई गेम खेल रहे हैं। साले साहब, रूपचंद का फोन है। हेलो, नमस्ते भाभी जी। जी, क्या मैं कल सुबह आप लोगों से मिलने आपके घर आ सकता हूँ? क्यों, कोई खास बात? कल मिलके ही बताता हूँ ना। ठीक है, कल सुबह आ जाइए। जी बहुत बहुत अच्छा। सासु माँ, क्या बोला? कल सुबह आ रहा है मिलने। ये है। देखिए, आप हमें ना लाइन में लगा दोगे। सब तैयारियां हो गई? प्राइम मिनिस्टर साहब थोड़ी आ रहे हैं जो इतनी तैयारियां कर रही हो तुम। पापा, आप ना उनके आने से पहले थोड़ा मुस्कुराना सीख लो। देखो मम्मी, सही तो बोल रही आदित्य, आप थोड़ा आराम से बात कीजिएगा। मैं कुछ बोलता हूँ क्या? अरे सासू माँ, रूपचंद जी आ गए। आइए आइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते भाभी जी। लाला जी नमस्ते। भाभी जी, थैंक यू। आइए ना, आइए। पाए लगो अम्मा। खुश रहो बेटा, बैठो बैठो। अम्मा, अपने पिताजी के बाद अगर मैंने किससे कुछ सीखा है तो वो भाभी जी कि हर दिन एक नया दिन होता है, उठो और नई शुरुआत करो। बस इसी बात पर मैं अपनी शक्ल दिखाने की हिम्मत जुटा पाया हूं अम्मा, कि हम लोग भी एक नई शुरुआत कर सकें। लाला जी, मैं अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे उस दिन आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, माफ कर दीजिए मुझे। क्या करूं लाला जी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया था। प्लीज भूल जाइए उन सब बातों को, बच्चों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। देखिए, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। ऐसे आप लोग डैडी जी को कॉन्शियस मत करिए। डैडी जी, टेक योर टाइम, आगे ऑडियंस पोल तो इन्हीं की तरफ है ना। एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत हो तो सासू माँ बैठी हैं। मुबारक हो। लाला जी मुबारक हो। अरे इसी बात पे गले तो लगी है। ये हुई ना बात। इसे कहते हैं अकलमंद आदमी की निशानी। फायदे की चीज को कभी नहीं ठुकराना। सब भगवान की माया है जी, वरना मेरी प्रीति के लिए तो एक से एक लड़कों की लाइन लगी हुई थी, वो भी एक से एक बड़ा घराना। मैं तो कहूंगा कि आपका वैभव बहुत ही लकी है। लकी तो प्रीति जी भी है, पूरे रतलाम में हमारे साले साहब जैसा कोई लड़का नहीं मिलता। एक बात और लाला जी, अब देखिए दोनों परिवार एक हो ही रहे हैं, तो क्यों ना दोनों दुकानों का नाम एक कर दिया जाए। मेरा मतलब है, आपके बोर्ड सुख सागर की जगह अगर न्यू सुख सागर का बोर्ड लगा दिया जाए, हाँ कैसा रहेगा?
अब आप हमारी दुकान का नाम बदलेंगे। लाला जी, क्या हमारी और क्या तुम्हारी, अब तो सब कुछ एक ही है ना। दोनों दुकानें घर की तो हैं, लेकिन दोनों दुकानें एक ही नाम से चले तो ज्यादा अच्छा है। अब सुख सागर नाम तो चल नहीं रहा है, अब जो नाम चल रहा है उसी का इस्तेमाल किया जाए तो कितना अच्छा हो। दुकान का नाम नहीं बदलेगा। आप तो बुरा मान गए लाला जी, आप तो करना क्या है, सिर्फ अपनी दुकान के नाम के आगे न्यू ही तो लगाना है, सुख सागर से न्यू सुख सागर बस। सुख सागर मेरे लिए सिर्फ एक नाम नहीं है, मेरे पुरखों का सम्मान है। लाला जी, सम्मान तरक्की से होता है, जो कि आपको इस नाम से कभी मिली नहीं। लगता है आप यहां हमें फिर से बेइज्जत करने आए हैं। भाभी जी, समझाइए लाला जी को। अरे मैं तो दोनों परिवारों की भलाई की बात कर रहा हूँ। अब कल को वैभवी तो दुकान पे बैठेगा ना, तो दुकान तो चलनी चाहिए ना। वो आप हम पे छोड़ दीजिए। लाला जी, बेटी दे रहा हूं, इतना तो सोचना पड़ेगा ना एक बात को। तो रहने दीजिए, अगर आपको हम पे इतना ही शक है तो ये रिश्ता मत कीजिए। Oh, 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 oh